तो भाई YouTube से IT सर्विस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी होस्टिंगर की होस्टिंग थी और एक साल आपका उसका हो चुका था और जैसे ही वो एक्सपायर हुई वो ऑटो रिन्यूअल हो चुकी और आपका जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो गया है, तो अब आप बैलेंस को बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हो, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में बने रहना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर आपकी हेल्प हो जाती है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो बैलेंस कटा हुआ है, आपकी एक ही होस्टिंग थी या दो होस्टिंग थी, कौन सी रिन्यू हुई है, उसको पहले देखना है। तो सबसे पहले आपको जाना है बिलिंग सेक्शन में एंड देन पेमेंट हिस्ट्री में। पेमेंट हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे देखिए मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट डिडक्ट यहाँ पे कटा होगा वो आपका यहाँ पे सामने अमाउंट दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा 14 तारीख का कटा हुआ है तो यहाँ अमाउंट मेरा दिख जाएगा कि आपका कौन सा होस्टिंग है, कौन सा आपका रिन्यू हुआ है। ओके, देन आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको नीचे एक चैट बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको चैट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन बिलिंग्स पे क्लिक करना है। दो ऑप्शन बताने वाला हूँ, बने रहना। तो यहाँ पे आपको बोलना है आई वांट रिफंड। अब आई वांट रिफंड पे क्लिक करोगे तो आपका जो होस्टिंग, जैसे आपका आज बैलेंस कट गया, एक साल एक दिन हो गया, पाँच दिन हो गया, दस दिन हो गया, बीस दिन हो गया, ठीक है, कितना भी दिन हो गया, 30 दिन के पहले पहले आप उसको मतलब रिफंड ले सकते हो। 30 दिन की पॉलिसी होती ही है इनकी। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है रिफंड। रिफंड पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स पे टिक कर लेना है एंड देन बोलेगा ओरिजिनल पेमेंट मेथड या फिर रिफंड बैलेंस होस्टिंगर के बैलेंस अकाउंट में चाहिए। इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आप अपना ओरिजिनल पेमेंट मेथड करोगे तो आपका जो बैलेंस है ओरिजिनल पेमेंट मेथड में सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करके उसका रिफंड इंस्टेंट हो जाएगा। और बाय चांस अगर आपको वो नहीं आ रहा है तब उस कंडीशन में क्या होता है, आपको ओरिजिनल पेमेंट मेथड तो आ रहा है लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन में कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। कस्टमर केयर से आप बात कैसे करोगे, आप कोई भी एक यहाँ पे डोमेन सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और न्यू डोमेन पे क्लिक करके कोई भी स्टार्ट लाइव चैट पे क्लिक कर देना। स्टार्ट लाइव चैट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप किस यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको हाई लिख देना है। हाई लिखने के बाद यहाँ पे ये बॉट है, पहले तो ये बॉट है तो सीधा बोल देना आई वांट टू चैट विद लाइव कस्टमर सपोर्ट। ये बॉट से बात नहीं करना, लाइव कस्टमर सपोर्ट से बात करना, आपको उनको सीधा बोलना है आई वांट टू कैंसल माय होस्टिंगर होस्टिंग एंड आई वांट टू रिफंड माय ओरिजिनल पेमेंट मेथड। अब वो आपके कुछ नहीं सुनेगा, तुरंत आपका जो है टिकट रेस्ट कर देगा, आपका अमाउंट है जो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर प्रोसीड आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा। कभी कभी इंस्टेंट हो जाता है, अगर ओरिजिनल पेमेंट मेथड आपको आ रहा है तो आप इंस्टेंट पेमेंट ले लोगे जब रिफंड पे क्लिक करने के बाद, अगर नहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप इस तरीके से चैट करके उनसे रिफंड ले सकते हो। लेकिन आपका जो रिफंड है 100% गाइस सेफ है और आपका आ जाएगा, आप घबराना नहीं है, आपका जो पेमेंट है वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। 30 दिन के लिए आपका होस्टिंग भी चला सकते हो, फिर भी आपका बैलेंस जो है आपका आ जाएगा। बाय चांस अगर आपने होस्टिंगर के बैलेंस में आपका बैलेंस अमाउंट चला गया तो भी आपको होस्टिंगर वालों जो कस्टमर सपोर्ट है उनके लाइव चैट से बात करनी पड़ेगी और उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा जो होस्टिंगर का बैलेंस है मैं अपने ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ अपना ओरिजिनल पेमेंट मेथड में, वो रिफंड कर लेना चाहता हूँ, बस आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने जो है अपना प्रोसेस कैसे कर सकते हो, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू सो मच।